नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश मंशरमानी। मैं 2 times TEDx Speaker, सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड गैलप स्ट्रेंथ कोच, अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 3 times ओवर सब्सक्राइब IPO मेरी कंपनी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आपने कभी ऐसी कहानी सुनी होगी या किसी पिक्चर में ये सीन जरूर देखा होगा कि जब बेटा बड़ा होकर बाप को कहता है कि डैडी, आपने ये थप्पड़ मुझे पहले क्यों नहीं मारा था बचपन में, तो शायद मैं आज वो नहीं होता, ऐसा बुरा नहीं होता जो मैं हूँ। तो जो मैं आज बातें कहने वाला हूँ थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है, और शरीर का कोई अंग, अपना अंग अगर खराब हो जाता है तो उसको भी डॉक्टर काटने की सलाह दे देते हैं। तो आज थोड़ा सा उन बातों को, कुछ उन हैबिट्स की बात करते हैं जो आपको पतन की तरफ ले जा सकती हैं, नीचे की तरफ ले जा सकती हैं, आपकी असफलता के बड़े रीजन बन सकती हैं। तो ऐसी 5 हैबिट्स की दोस्तों बात करेंगे आज। नंबर 1, झूठ बोलना। दोस्तों, जब आप झूठ बोलते हैं तो हम समझते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है। तो आज ये बात अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि जब जब आप झूठ बोलते हैं उस समय आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, आपकी अपनी इज्जत जैसे प्याज से एक एक करके छिलका उतरता जाता है, ऐसे आपकी इज्जत कम होती जाती है लोगों की नज़रों में, खुद को पता नहीं लगता है। मेरे एक मित्र थे, वो तो इतनी झूठ बोलने की आदत थी भाई साहब की कि माँ बाप के इकलौते बेटे थे, और कोई पूछ ले कि भाई कितने भाई बहन हो, तो हम 2 भाई हैं। तो मैं उनसे कहा, भाई अब 2 तो नहीं हो, 1 है, इसको क्या पता चलता है यार, 2 बोल दिया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सोचिए कि बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट बात है, अगले दिन अगर उस आदमी को पता लगे कि ये तो माँ बाप का अकेला ही बेटा है, इसने मुझे 2 क्यों कहा। तो इस तरीके की आदतें, अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कि 10 तारीख को मैं आपकी पेमेंट करूंगा, आप चेक ले जाइएगा, और 10 तारीख को आप होते ही नहीं ऑफिस में, आप तो बाहर चले गए शहर के बाहर, और आपको पता था कि आप बाहर जा रहे हैं लेकिन आपने झूठ बोला। इस एक अकेली आदत से, जैसे बोलते हैं कि बहुत सारा दूध हो कढ़ाई में, 1 बूंद जहर डाल दीजिए, दूध खराब हो जाएगा। दिस वन हैबिट कैन किल योर रेपुटेशन। एक ये खराब आदत झूठ बोलने की, बात बात पे। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बात छुप जाएगी। दोस्तों, छुपता दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज आप किसी को कोई बात बताइए, कोई सीक्रेट बताइए किसी दोस्त का, और उससे कहिए कि किसी और को नहीं बताना, 24 घंटे के अंदर वो कम से कम 10 लोगों को पहुंच जाएगी। तो छुपाना और झूठ बोलना एक सबसे खतरनाक आदत है जो आपकी सक्सेस पे सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। नंबर 2, दोस्तों, जब मैं किसी से कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। डायलॉग सुना होगा आपने सलमान खान का, बहुत गहरा मीनिंग है इस डायलॉग में। दोस्तों, कमिटमेंट एक ऐसी चीज है, हमारे रामायण में भी बहुत अच्छा एक डायलॉग है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन नहीं जाना चाहिए, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी हिस्ट्री ने, हमारे धर्म ने हमें सिखाया है कि जब आप कोई बात बोल दें तो करिए नहीं कमिटमेंट, लेकिन अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट को ऑनर कीजिए, वो कमिटमेंट छोटी हो या बड़ी हो। जितना भी सोचना है पहले सोच लीजिए, आज के बजाय कल कमिटमेंट कर दीजिए, सुबह के बजाय शाम को कर दीजिए, कह दीजिए मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मैं अभी कमिट नहीं कर सकता, लेकिन कमिटमेंट ऐसी हो जो आप हमेशा पूरी करें। तीसरी आदत दोस्तों, डिसीजन लेना, निर्णय लेना। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैंने स्टडी किया, और मेरी भी अपनी जिंदगी की ये मिसाल रही है कि डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सुपर सक्सेसफुल लोगों को मैंने स्टडी किया है, उनकी सफलता का या असफलता का रीजन ये नहीं है कि उन्होंने डिसीजन गलत लिया। बहुत असफल लोगों का रीजन ये है कि उन्होंने डिसीजन लिया ही नहीं। अगर आप देखें 2013 में जब नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट खरीद रहा था, तो उसके CEO प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटरली आंसुओं के साथ रो दिए थे, और उनका ये बयान आज गूगल पे आप पढ़ सकते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं लेकिन फिर भी हमें घाटे हो गए। तो दोस्तों, कमेंट लोगों का यह आया कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। गलत तो तब आप जब करते, जब कुछ करते, दुनिया में माहौल बदल रहा,
ज़्यादा स्मार्टफोन आ रहे थे, नोकिया का 90% मार्केट शेयर था, आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया उस सिचुएशन को समझ के, एज ए सीईओ कुछ आप एक्शन लेते, तो डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। तो जो लोग डिसीजन नहीं लेते, मैं बहुत सारी जब ट्रेनिंग करता हूँ और उनको कुछ इस तरीके के ऑफर्स देता हूँ कि आपको बहुत कम पैसे में बहुत सारा करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं, मेरी बिजनेस कोचिंग से मैंने देखा है लोगों के प्रॉफिट्स कई कई गुना बढ़ गए, 1 करोड़ से 5-5 करोड़ रुपए तक उनके प्रॉफिट पहुंच गए, तो बहुत से लोग इस डिसीजन को भी नहीं लेते, अरे साहब इनकी फीस देनी है, हम खुद सीख लेंगे किताबें पढ़ के, यूट्यूब देख के। दोस्तों यूट्यूब देख के स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती, यूट्यूब देख के ड्राइविंग नहीं सीखी जा सकती, हर किसी को एक कोच की एक मेंटर की जरूरत होती है। तो वहां पे लोग डिसीजन लेने में, इसको मैं बोलता हूँ योर लिटिल वॉइस, एक अंदर एक जो आवाज चलती है वो हमें हर सफलता का कदम लेने में रोकती है, हर बार एक आवाज आती है नहीं रहने दो आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन वो आवाज उस समय नहीं आती जब हम कोई कार खरीदने जाते हैं, कोई और ऐसा डिसीजन लेने जाते हैं, पिक्चर देखने जाना, हाँ चलो चलते हैं, अपने सब काम छोड़ के चल पड़ते हैं, उस तरह के डिसीजन लेने में जहां पे हमारा टाइम खराब हो रहा है, कोई देरी नहीं लगती, लेकिन वो डिसीजन जो हमें तरक्की के रास्ते पे ले जाए, जो सफलता के रास्ते पे ले जाए, एक अच्छे मुकाम पे ले जाए, वो डिसीजन लेने में बहुत लोग अटकते रहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, या लेते ही नहीं है, या डिलेड डिसीजन इतना ले लेते हैं कि वो काम का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो एक क्विक डिसीजन लेने की आदत डालना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। तो एक डिसीजन मेकिंग, मेक इट योर हैबिट। चौथी हैबिट दोस्तों जो आपको बना सकती है या डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो है अपने दिन की प्लानिंग। मैं जब लोगों को कोच करता हूँ तो ये सिखाता हूँ कि अपने दिन की प्लानिंग एक दिन पहले रात को कर लें और एक जर्नल लिखें। जर्नल लिखना बहुत सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है, एक नोटबुक में आप दिन भर का अगर आप पूरा जो कुछ भी हुआ है उसको अपने दिमाग में एक मूवी की तरह चला लें, उसके दो फायदे होंगे, एक तो आप की मेमोरी बढ़ेगी, दूसरा उस दिन की 3 लर्निंग लिखेंगे, आज मैंने 3 चीज़ें कौन सी सीखी। 365 दिन में आपके 1000 से ऊपर खुद की लर्निंग हो जाएंगी जिसकी आप किताब बना सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं उन लर्निंग्स को लेके। तो प्लान योर डे, और आपके डे में ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी आपका 2 मिनट के बजाय 20 मिनट ले जाए, या अनप्लान आपके ऑफिस में आ धमके। मेरा पूरे साल में एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन कोई अनअनाउंस गेस्ट मेरे ऑफिस में या घर पर आ जाए, एवरीथिंग इज प्लान, मेरा कैलेंडर में पूरा एंट्रीज होती है किस दिन में किस मिनट में क्या होना है, किसको बर्थडे विश करना है, हर चीज पूरे एक साल के लिए। मुझे कहीं से कोई स्पीकिंग असाइनमेंट आता है, कोई न्योता आता है, मैं इमीडिएटली पहले कैलेंडर में डालता हूं ताकि ये ब्लॉक हो जाए, वो टाइम अब किसी और को नहीं मिल सकता। तो जो लोग अपना शेड्यूल बनाते हैं, अपना डे प्लान करते हैं, हफ्ता प्लान करते हैं, महीना साल प्लान करते हैं, जिंदगी प्लान करते हैं, वो ही सक्सेस को हासिल कर पाते हैं, और जिन लोगों की अनप्लान जिंदगी दोस्तों ये हैबिट उनको डिस्ट्रॉय करती है या मीडियोकर लेवल पर रखती है। क्योंकि याद रखिएगा कि दुनिया की 97% वेल्थ सिर्फ 3% लोगों में है, और उन 3% लोगों की ही ये वाली आदतें अच्छी आदतें और ये बुरी आदतें नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों पांचवी हैबिट, पीटर ड्रकर एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए हैं वर्ल्ड के फेमस, उन्होंने कहा है कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप 5 उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ज़्यादातर टाइम बिताते हैं आप वही बन जाते हैं, उन्हीं की एक औसत निकाल लें आपकी वो पर्सनैलिटी बन जाती है। तो बी वेरी केयरफुल आप किन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप उन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो रोज़ पीने में विश्वास रखते हैं आधी बोतल तो आपकी हेल्थ और लिवर डिस्ट्रॉय होगा। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये बात समझने के लिए। तो सफल लोगों के साथ और उन लोगों के साथ आप टाइम गुजारें जो आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं, और सलाह कभी भी उस आदमी से नहीं लीजिएगा जिसने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। अगर आप किसी आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, आपके पास एक बड़ा बंगला हो, अपनी बड़ी सी गाड़ी हो, और आप एक ऐसे आदमी से सलाह ले लें जो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, उसने वो कहेगा रहने दो यार, ये हमारे लोगों के बस की बात नहीं है, आओ चलो चाय पीते हैं और ब्रेड पकौड़ा खाते हैं। वो लोग इसी तरह अपना टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर आप किसी सक्सेसफुल
बिल्कुल मेरे जैसे आदमी के पास सलाह के लिए आएंगे जो रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ, 300 रुपए की नौकरी से उसने बड़े सपने देखे और बड़े सपने अचीव किए, वो आपको इनकरेज करेगा, पीठ थपथपाएगा कि आप ये सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप में योग्यता है या योग्यता डेवलप कर सकते हैं, आप में पैशन है, आप में हिम्मत है, तो आप भी मेरी तरह क्या मेरे से ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग ऐसे ही कामयाब हुए हैं, सबके पास कोई कैपिटल या एजुकेशन या कोई सपोर्ट नहीं थी, गैरेज से काम शुरू हुए हैं। स्टीव जॉब, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब गैरेज से ही काम शुरू हुए लोग हैं। ये लोग कोई बहुत बड़ा कैपिटल या बड़े रिसोर्सफुल लोग नहीं थे, लेकिन अपनी हिम्मत के सहारे और कुछ सक्सेसफुल लोगों की कंपनी और मेंटरिंग की वजह से ये ज़िंदगी में बड़े बन पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं इस बात से एंड करूंगा कि ये पांचों हैबिट्स आपको या तो बना सकती हैं या इनके विपरीत चलेंगे तो ये डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। तो इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें जिनसे आपको लगता है कि उनको फ़ायदा हो सकता है, और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो में कि आपको किस तरह के और आगे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं अपना टाइम बहुत, हफ्ते में पूरा पूरा 1 दिन हम वीडियो शूट करते हैं अपने 40 साल के तजुर्बे से, ताकि जितने नौजवान हैं, जितने एंटरप्रेन्योर हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन और मेंटर नहीं है, इन वीडियोस के जरिए वो इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, कामयाब हो सकें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे, ताकि मेरे नए वीडियो की आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आएगी। एंड हैव अ सक्सेसफुल लाइफ।